Hello friends, press the subscribe button and hit the bell icon for more such easy videos. Hello friends, आज हम जिस वीडियो की बात करने वाले हैं वो है डीएनए रेप्लिकेशन। सबसे पहली चीज तो हमें ये समझना पड़ेगा डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे डीएनए अपने आप को ही बनाता है। तो इट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच डीएनए मेक्स अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ। इसी को हम सिंपल तरीके में डीएनए रेप्लिकेशन कह सकते हैं। क्रिक ने कहा कि डीएनए रेप्लिकेशन होने के तीन टाइप हो सकते हैं, तीन में से कोई एक टाइप से डीएनए रेप्लिकेशन होगा। अब सवाल ये उठता था क्या तीन टाइप थे, तो क्रिक ने प्रपोज किया तीन मेथड को। सबसे पहला मेथड जो कहा गया वो था कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, दूसरा उन्होंने कहा डिस्पर्सिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, तीसरा था सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इन तीन टाइप में से कोई एक टाइप से डीएनए रेप्लिकेट होता है। जब आप कंजर्वेटिव मेथड कहते हो तो उसमें बेसिकली होता क्या है, सो डीएनए वाई शेप रेप्लिकेटिंग फोर्क बनाते हैं, तो तीनों के लिए हमने डीएनए का वाई शेप रेप्लिकेटिंग फोर्क बना लिया। कंजर्वेटिव मेथड में कंजर्व हो जाता है डीएनए, मतलब जो पेरेंटल डीएनए है वो वैसे का वैसा ही स्टोर रहता है, उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा और नया डॉटर स्ट्रैंड बनता है। इसे कहते हैं कंजर्वेटिव मेथड, कंजर्व। अब देखें पिंक कलर वाला पेरेंटल डीएनए वैसे का वैसा ही रह गया। डिस्पर्सिव मेथड मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो पेरेंटल डीएनए है और नया डीएनए आपस में मिक्स हो जाते हैं टुकड़ों में से, दे गेट डिस्पर्स्ड, एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं डिस्पर्सिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सेमी कंजर्वेटिव का मेथड क्या होता है, सेमी का मतलब होता है हाफ, मतलब जो नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा उसमें आधा स्ट्रैंड पेरेंट का होगा और आधा न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होगा, मतलब 50% डीएनए पेरेंट 50% नया डीएनए। पर एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद हमें ये पता चला कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड ही है, डिस्पर्सिव मेथड और कंजर्वेटिव मेथड का डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। जब आप टाइप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन की बात करोगे तो ये तो सेल पे डिपेंड करेगा, दो तरीके का सेल होता है हमें पता है, दो टाइप के सेल्स हैं, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। जब आप प्रोकैरियोटिक सेल की बात करोगे तो सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो डीएनए होता है वो सर्कुलर है और साइटोप्लाज्म में है, यूकैरियोटिक सेल का डीएनए लीनियर है और न्यूक्लियस में है। प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेट करेंगे थीटा मॉडल से और यूकैरियोटिक रेप्लिकेट करेंगे वाई शेप्ड रेप्लिकेटिंग फोर्क फॉर्मेशन से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं थीटा शेप का डीएनए रेप्लिकेशन मॉडल बनता है। और जब आप यूकैरियोटिक की बात करोगे तो इसमें डीएनए जब अनवाइंड हो जाएगा तो बनाएगा वाई शेप्ड रेप्लिकेटिंग फोर्क। अब इसमें सबसे बड़ी बात हमें यह समझनी है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है उसे हमने कह दिया और सेमी कंजर्वेटिव मेथड होता है, लेकिन कौन सा एक्सपेरिमेंट है जो ये प्रूफ करता है डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है। सो याद रखिए मेसेलसन और स्टाल 1958 में दो साइंटिस्ट आए जिन्होंने प्रूफ किया कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है। उसको प्रूफ करने के लिए उन्होंने एक हैवी आइसोटोप यूज किया नाइट्रोजन का, जिसे हम कहते हैं N15। नॉर्मल आइसोटोप जो होता है वो N14 होता है, मतलब नेचुरली जो नाइट्रोजन है वो N14 है और जो हैवी आइसोटोप होता है वो है N15। तो उन्होंने सीजियम क्लोराइड का यूज किया और सेंट्रीफिकेशन मेथड का यूज करके प्रूफ करने की कोशिश की डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। जैसे मान लीजिए N15 हैवी नाइट्रोजन आइसोटोप्स हैं, जब ये डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो एक पेरेंटल डीएनए और एक नया डीएनए बनेगा। सो जो नया डीएनए बनेगा उसमें एक स्ट्रैंड N15 का होगा और एक स्ट्रैंड N14 का होगा। तो इस तरीके से पता चलता है कि 50% जो पेरेंटल डीएनए था N15 वो रह गया, मतलब जो डीएनए रेप्लिकेट हुआ हर जनरेशन में 50% डीएनए पेरेंट्स का होगा और 50% जो है न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड होगा। अगर आप ध्यान से समझें तो हर जनरेशन में नीट के हिसाब से हर जनरेशन में द परसेंटेज ऑफ पेरेंटल डीएनए वो हो जाता है हाफ। जैसे मान लीजिए एक स्टेज में 100% है तो कुछ नेक्स्ट जनरेशन 50%, उसके बाद 25%, फिर 12.5% और 6.5%। इस तरीके से डीएनए रेप्लिकेट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझनी है वो ये है कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होगा और सेल साइकिल के एस फेज में, सिंथेटिक फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। अब आइए देखते हैं स्टेप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेट करता कैसे है।
सो सबसे पहली बात, यहाँ पे हम यूकैरियोटिक सेल के डीएनए की बात कर रहे हैं। स्टेप नंबर वन, डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए जितना भी न्यूक्लियोटाइड्स का जरूरत होगा उन सबको एक्टिवेट करना है। तो एक्टिवेशन ऑफ ऑल द न्यूक्लियोटाइड्स दैट इज डीएनटीपीज, नॉर्मली क्या होगा, डीऑक्सीएडीनाइन मोनोफॉस्फेट, गुआनिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीसाइटोसिन मोनोफॉस्फेट, ये सब इनएक्टिव फॉर्म है। इसे एक्टिवेट करने के लिए हम एटीपी का यूज करेंगे और एक एंजाइम फॉस्फोराइलेज। तो एटीपी की वजह से सब हो जाते हैं डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी, मतलब ट्राईफॉस्फेट हो जाएंगे और एक्टिव हो जाएंगे। स्टेप नंबर टू सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को ढूंढना। अब इस सेल कौन सा है उस पर डिपेंडेंट है। अगर वो प्रोकैरियोटिक सेल हो गया तो याद रखिए प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए छोटा होता है तो उसके पास एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा। लेकिन अगर वो यूकैरियोटिक सेल है तो यूकैरियोटिक सेल का डीएनए बड़ा होता है तो उसके पास बहुत सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होंगे। अब सवाल ये उठता है कि डीएनए में आपने ढूंढ लिया ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, अब इसी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को जो हमने मार्क किया उस पे कट करेंगे। सो दैट बिकम्स अ स्टेप नंबर थ्री। स्टेप नंबर थ्री क्या कहता है, नेक कट और इंसिजन इन डीएनए। तो डीएनए को ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साइट की जगह पे आप उसे कट करोगे और उसे कट करने के बाद जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होगा वो टूटेगा। सो यहाँ पे एक एंजाइम का यूज करेंगे हम, एंडो न्यूक्लियस। एंडो मतलब इन, न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लिक एसिड, एक ऐसा एंजाइम जो न्यूक्लिक एसिड के अंदर कट करेगा। सो ये भी हो जाता है हमारा स्टेप नंबर थ्री। सो जब एक बार निक हो जाएगा तो डीएनए का स्ट्रैंड कुछ इस तरीके से थोड़ा सा कट जाएगा, इसे हम कहते हैं निक। स्टेप नंबर फोर जो होगा, अब क्या होगा, जो डीएनए कटा हुआ है वो अनवाइंड करेगा, खुलेगा, तो उसे हम कहते हैं अनवाइंडिंग या अनजिपिंग ऑफ डीएनए। और ये होता कैसे है, सारे डीएनए स्ट्रैंड्स हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे एक एंजाइम का यूज किया जाएगा, डीएनए हेलिकेज, जिसको हम रैप प्रोटीन भी कहते हैं। और ये डीएनए हेलिकेज क्या करेगा, सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ेगा। सो इट ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड एंड अनवाइंड्स द डीएनए। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे ए और टी में डबल बॉन्ड होता है, सी और जी में ट्रिपल बॉन्ड होता है, मतलब ए और टी के बॉन्ड को तोड़ने के लिए लेस एनर्जी लगेगा, सी और जी के बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगा। सो इस तरीके से डीएनए हेलिकेज या रैप प्रोटीन क्या करेगा, डीएनए को अनवाइंड कर देगा। अभी जो स्ट्रैंड अनवाइंड हुए हैं ये आपस में भी ज्वाइन हो सकते हैं, ये ना हो इसके लिए हम स्टेप नंबर फाइव की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर फाइव क्या होता है, इस यूज ऑफ SSBP, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन टू प्रिवेंट इंटरकॉइलिंग ऑफ अनवाइंडेड डीएनए। मतलब जो डीएनए स्ट्रैंड था वो आपस में इंटरकॉइल ना हो जाए, इसके लिए हम SSBP का यूज करते हैं जो स्ट्रैंड को पकड़ के रखेगा जगह पे। तो देखिए कैसा होगा, यहाँ पे SSBP का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। अब होगा क्या, ये डीएनए दोनों स्ट्रैंड अनवाइंड आपस में कॉइल हो चुके हैं, तो SSBP का यूज करो तो उसे पूरी तरह से पकड़ के वाई शेप्ड रेप्लिकेटिंग फोर्क बनाएगा। ये सब SSBP हैं जो डीएनए स्ट्रैंड्स को जगह पे रखते हैं। सो अब यहाँ पे जो दिखेगा वो होगा वाई शेप्ड रेप्लिकेटिंग फोर्क। इसके बाद स्टेप नंबर सिक्स देखते हैं क्या होगा। स्टेप नंबर सिक्स में क्या होता है, जब डीएनए अनवाइंड हो रहा है, जैसे रस्सी को बीच में से खींचे तो ऊपर टेंशन बढ़ जाता है, तो यहाँ पर डीएनए का भी टेंशन हो गया है। सो रिलीज ऑफ टेंशन कॉज्ड टू अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। अब यहाँ पर टेंशन हटाने के लिए हम एक स्पेशल एंजाइम का यूज करते हैं और उस एंजाइम का नाम है टोपो आइसोमरेज। और टोपो आइसोमरेज एंजाइम जो है डीएनए के टेंशन को रिलीज करता है। अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे डीएनए ऊपर का एकदम कॉइल्ड हो चुका है जिसकी वजह से डीएनए टूट भी सकता है। जब आप टोपो आइसोमरेज का यूज करोगे तो डीएनए का ऊपर का पार्ट अच्छे से नॉर्मल हो जाता है, मतलब टेंशन खत्म हो गया। सबसे बड़ी बात नीट के लिए, टोपो आइसोमरेज एंजाइम का दूसरा नाम है डीएनए गायरेज। तो याद रखिएगा टोपो आइसोमरेज को हम डीएनए गायरेज भी कहते हैं। चलते हैं स्टेप नंबर सेवन की तरफ। और स्टेप नंबर सेवन कहता है फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। सबसे बड़ी बात यह होती है कि आरएनए प्राइमर होता क्या है। आरएनए प्राइमर जो है, इट्स अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए। आरएनए का छोटा सा फ्रेगमेंट है जो डीएनए प्राइमेज नाम के एंजाइम से बनेगा। और ये आरएनए प्राइमर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ
डीएनए के 3 प्राइम एंड को ही बाइंड करता है, 5 प्राइम एंड पे कभी भी आरएनए प्राइमर बाइंड नहीं कर पाता। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आरएनए प्राइमर की। तो जब डीएनए अनवाइंड होगा तो एक स्ट्रैंड जो है 5 प्राइम होगा, दूसरा 3 प्राइम। तो जब आरएनए प्राइमर होगा वो 3 प्राइम एंड पे तो आराम से बाइंड कर जाता है। इसके लिए एक डीएनए के टेम्पलेट पे आरएनए प्राइमर को बाइंड करने में कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन दूसरी तरफ बहुत प्रॉब्लम होगा, इसके लिए मल्टीपल जगह पे आरएनए प्राइमर बाइंड करते हैं। अब देखते हैं स्टेप नंबर 8। स्टेप नंबर 8 कहेगा सिंथेसिस ऑफ डीएनए। जो भी डीएनए हमने बनाया अब अनवाइंड हो चुके हैं, यहां पे नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा। सो इट इज डन बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का भी अपना एक प्रॉब्लम है कि वो न्यूक्लियोटाइड को सिर्फ और सिर्फ 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही जोड़ सकता है, लेकिन यह 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन टेम्पलेट का नहीं है, ये स्ट्रैंड का है जो नया बनेगा। सो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम अट्रैक्ट करेगा सारे एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स को जो हमने फर्स्ट स्टेप पे एक्टिवेट किया था, और करस्पोंडिंग न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ करके नया डीएनए स्ट्रैंड बनाएगा। सो इस तरीके से डीएनए जो है बनता है। अब जरा देख लेते हैं एक बार फिर से रिकैप में। तो यहाँ पे डीएनए अनवाइंड हो चुका है, 3 प्राइम 5 प्राइम और 3 प्राइम। यहाँ पर एक एंजाइम है जिसे कहते हैं डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज का काम क्या है? इट्स टू अनवाइंड द डीएनए बाय ब्रेकिंग ऑल हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हमने जो बनाया इसे कहते हैं टोपो आइसोमरेज, जो डीएनए के टेंशन को क्या करता है, रिलीज करता है। ये एसएसबीपी है जो अनवाइंडेड स्ट्रैंड को जगह पर पकड़ के रखता है, जिसे हम फुल फॉर्म कहते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये जो अब लगेगा आरएनए प्राइमर लगेगा, और आरएनए प्राइमर जो है हमेशा 3 प्राइम एंड को ही बाइंड करता है। तो ये हो गया आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर जुड़ने की वजह से अगर टेम्पलेट 3 प्राइम है तो इस तरह 5 प्राइम हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर आरएनए प्राइमर मल्टीपल जगह पे बाइंड करेगा क्योंकि 3 प्राइम अवेलेबल नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो डीएनए रेप्लिकेशन में काम आता है, डीएनए पॉलीमरेज। तो 5 प्राइम जब इसको मिल चुका है एक तरफ, तो अब ध्यान से समझेंगे कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो है फटाफट डीएनए ऐड करता है, इसकी वजह से डीएनए सिंथेसिस कंटिन्यूअस होता है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए सेगमेंट्स जो है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बनते हैं, तो इसे कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, या आप कह सकते हो कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। स्ट्रैंड मतलब जो बन रहा है, टेम्पलेट मतलब एक्चुअल डीएनए। अब ये जो टुकड़ों में बना उसे हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, या उसे कहते हैं डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। ब्रोकन फ्रेगमेंट्स में ये सिंथेसाइज होते हैं, कॉल्ड एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। और सबसे बड़ी बात, जो मेन डीएनए होता है उसे टेम्पलेट कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया पेरेंटल डीएनए, ये न्यूली सिंथेसाइज डीएनए। यहाँ पर डीएनए कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज हो गया क्योंकि ये लीडिंग स्ट्रैंड का डीएनए था। लेकिन दूसरी तरफ डीएनए सिंथेसिस डिसकंटिन्यूअस हुआ है इन द फॉर्म ऑफ ब्रोकन फ्रेगमेंट्स, और इसी ब्रोकन फ्रेगमेंट्स को नाम दिया गया है ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो याद रखिए लैगिंग स्ट्रैंड पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं, और ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो है ज्वाइन हो जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज। और ज्वाइन हो जाने के बाद जो है ये कंप्लीट डीएनए बन जाते हैं। तो इस तरीके से डीएनए सिंथेसाइज होता है, और डीएनए सिंथेसिस सेमी कंजर्वेटिव है क्योंकि एक स्ट्रैंड पेरेंटल है, दूसरा स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको डीएनए रेप्लिकेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। समय बहुत कम है, मेहनत करते रहिए गोल को अचीव करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।